सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नजम सेठी ने अफगानिस्तान में तालिबान की जीत के बाद पाकिस्तान में इंतहा पसंदी और जुनूनियत की आंधी चलने के खदशात का इजहार कर दिया है। हफ्त रोज़ा फ्राइडे टाइम्स में अपने ताज़ा एडिटोरियल में नजम सेठी कहते हैं कि अफगान तालिबान ने अमरीका से गुफ्तगू जारी रखी और जंग थी और वह जीत गए। अमरीकी बातें करते और भागते रहे और वह जंग हार गए। इस अंजाम की पेशगोई सन 2020 में की जा चुकी थी, जब सदर ट्रंप ने अफगानिस्तान से इनखला का ऐलान तो कर दिया लेकिन काबुल में तमाम धड़ों की शमूलियत रखने वाली निगरान हुकूमत कायम ना हो सकी। लेकिन सेठी कहती हैं कि जो कुछ काबुल में देखने में आया है उसकी तवक्को तो किसी को भी नहीं थी, सदर बाइडन को तो हरगिज़ भी नहीं थी, जिन्होंने गैर मशरूत तौर पर सितंबर में तयशुदा इनखला की तारीख पीछे कर दी। उनका ख्याल था कि अफगान नेशनल आर्मी कम से कम मजीद एक साल तक लड़ सकती है। उनके वहमोगुमान में भी नहीं था कि महज 10 दिनों के अंदर अंदर अफगान नेशनल आर्मी अपना बोरिया बिस्तर समेट लेगी और सदर गनी मुल्क से भाग जाएंगे। नजम सेठी के मुताबिक तालिबान की शानदार हिकमत अमली गुरीला जंग के असूलों की बुनियाद पर थी, यानी वक्त का इंतजार करते हुए पांव रखने की जगह बनाएं और दुश्मन की लड़ने की सकत को पस्त कर दें। ये अस्करी थ्योरी सन 1930 की दिहाई में चीन में माओ ज़ेडुंग और फिर सन 1960 की दिहाई में वियतनाम में हो ची मिन्ह ने अपनाई थी। अपनी हुकूमत के सन 2001 में खात्मे के बाद तालिबान ने पाकिस्तानी सरहद के दोनों तरफ अपनी गिरफ्तबंदी की खुद को मुनज़्ज़म की और सन 2010 के बाद से इनकी दलेरी और जारहीत में वाज़े इजाफा देखने में आने लगा। सन 2020 में अमरीका के साथ माहदे पर दस्तखत करने के बाद इन्होंने मिलने वाले वक्त का इस्तेमाल करते हुए अमरीका की काबुल वापसी के लिए किसी मुमकिन मखलूत हुकूमत का रास्ता भी रोका और शुमाली अफगानिस्तान पर तवज्जो देते हुए वहाँ अपने कदम भी जमाए। इससे पहले यह खित्ता तालिबान मुखालिफ जंगजुओं की आमादगाह था, जो सन 1997 से 2001 में उनकी हुकूमत के लिए चैलेंज बने रहे थे और उनके हाथों तालिबान को ज़िक भी पहुँची थी। सेठी कहती हैं कि यलगार के वक्त तालिबान की अपनाई गई जंगी हिकमत अमली बहुत कामयाब रही, यानी इनकी हिकमत अमली ये प्रोपेगंडा करना था कि अमरीकी तो यहाँ से जा रहे हैं, तुम भी हथियार डालो और घर जाओ, हम तुमसे इंतकाम नहीं लेंगे, तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। इस हिकमत अमली का तालिबान को बहुत फ़ायदा हुआ। आखिरी मरहले में जब अमरीकी फ़िज़ाई कुमक से हाथ खींचने लगे, अपने कमांडरों तरबियत देने वालों कॉन्ट्रैक्टर्स को वापस अमरीका ले जाने का अमल शुरू कर दिया, फ़िज़ाई हमले ख़त्म कर दिए तो अगले महाजों पर मौजूद दस्ते भी फरार होने लगे। अफगान नेशनल आर्मी अमरीका की तैयार करदा जंगी मशीन के अहम अनासिर से महरूम होने पर तिनकों की तरह बिखर गई। गनी हुकूमत के अलावा अफगान नेशनल आर्मी के अफसरान की होशरुबा बदनवानी और ऐवान सदर से फौजी कमांडरों के मुतबादल तबादले भी फौज की हौसला शिकनी का बायस बने। यके बाद दीगरे सूबे तालिबान के सामने हथियार डालने लगे और जब अमरीकी फौजी भी वतन वापसी के लिए तैयारों में बैठे तो काबुल का घेराव मुकम्मल हो चुका था। नजम सेठी के मुताबिक अशरफ गनी की सबसे बड़ी गलती पाकिस्तान के साथ महाज गर्म रखना और इंडिया के साथ दोस्ती बढ़ाना था। पाकिस्तान इस खेल का एक स्टेक होल्डर था। अब ये बात दुरुस्त है, गलत हकीकत यही है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान का स्टेक 40 साल पर मुहित है। अगर काबुल खुलकर इस्लामाबाद से दोस्ती नहीं कर सकता तो उसे खुलकर दुश्मनी भी नहीं करनी चाहिए। इस तरह पाकिस्तान और अफगान तालिबान दरपर्दा कुदरती इत्तेहादी हैं। अमरीकी भी गलती कर गए जब उन्होंने सन 2020 के मुआहदों पर दस्तखत किए, लेकिन तालिबान के मुतालबे के मुताबिक अशरफ गनी की जगह कोई और काबिले कबूल मुतबादिल ऑप्शन ना लाए। लेकिन सवाल ये है कि अब क्या होगा। नजम सेठी के मुताबिक अमेरिका में सदर जो बाइडन को ये तवक्को तो थी कि वो अमेरिकी तारीख की तवील तरीन जंग ख़त्म करके लड़कों को घर वापस लाने पर अवामी पजीराई हासिल करेंगे, लेकिन हुआ ये कि काबुल से इनखला ने साइगन वियतनाम में उठाई गई हजीमत की याद ताज़ा कर दी। अब सदर बाइडन को अवामी तनकीद का सामना है। उनकी इनखला की पॉलिसी की डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में हिमायत 70% से गिरकर महज 50% से भी कम रह गई है। दिखाई ये देता है कि अमेरिका अपनी शिकस्त पर पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश कर सकता है। पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां हक्कानी नेटवर्क को ISI का फाल बाजू इंतहा पसंदों को महफूज ठिकाने फराहम करने और दोहरा खेल खेलने के गिर्द घूमता है। अगर इस पर दबाव डाला जाता तो इस्लामाबाद की नाराजगी अफगानिस्तान में मुफाहमत से हुकूमत कायम करने की आलमी कोशिशों को पटड़ी से उतार सकती थी, वो हुकूमत जो इंसानी हकूक की पासदारी करती। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में तालिबान से तवक्को ही की जा सकती है कि माजी की नस्बत तब्दील शुदा रवैये का मुजाहरा करते हुए कम अज़ कम दीगर फरीकों को भी इकतदार में शामिल करेंगे, ताहम असल ताकत और पॉलिसी साजी का इख्तियार उन्हीं के हाथों में होगा। शुरू में तो वो अमीर उलमोमिनीन या ईरान की तर्ज पर सुप्रीम लीडर जो चुने गए वज़रा की कौंसल के ऊपर होगा, उसकी क़यादत में मुल्क को चलाएंगे। इस दौरान उन्हें आलमी शनाख्त और तस्लीम किए जाने की भी ज़रूरत महसूस होगी। इसके लिए वो आलमी ताकतों जैसा कि रूस, चीन, ईरान, वस्ती एशियाई रियासतों और पाकिस्तान के खदशात कम करने की कोशिश करेंगे। मुआशी तआवुन के बदले इंतहा पसंदों, दहशतगर्दों और अलहदगी पसंदों को अपने यहाँ पनाह ना देने का वादा करेंगे। आलमी बरादरी के लिए वो इस्लामी हुकूमत के अंदर इंसानी हकूक को मगरबी आज़ादी और जमहूरियत के तसव्वुरात के मुकाबले पेश करेंगे। अपग्रेड या तब्दील शुदा तालिबान, जिसे 2.0 सॉफ्टवेयर कहा जा रहा है, की हुकूमत को ये आमिल भी बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। अलकायदा तहरीक तालिबान पाकिस्तान, मशरक तुर्कमानिस्तान की तहरीक दाइश और बलोच अलहदगी पसंद अफगान सरजमीन से आसानी से बेदखल नहीं होंगे और ना ही किसी आसान तरीके से उन्हें ख़त्म किया जा सकता है।
आज़ाद करदा हज़ारों कैदी अब तक उनकी सफ़ों में शामिल हो चुके होंगे। अगर वो अनासिर सरहद पार अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं तो तालिबान का हमसायों के साथ तनाव बढ़ेगा। अगर अलकायदा अमरीकी सरजमीन पर हमला करने में कामयाब हो जाती है और इस हमले के कदमों के निशानात अफगानिस्तान में मिलते हैं तो अमरीका पर इंतकाम लेने का दबाव होगा। इस दौरान अफगानिस्तान भी अपग्रेड हो चुका है। गुज़िश्ता 2 अशरों के दौरान अफगानों की नई नस्ल ने सेकुलरिज्म, मीडिया की आज़ादी, ख़वातीन के हकूक़ और मालूमात का इनकलाब बपा होते देखा है। अगर तालिबान ने जबर और फौजी कार्रवाई के जरिए इन इकदार को ख़त्म करने की कोशिश की तो इसका मुकामी तौर पर भी रद्दअमल आएगा और आलमी सतह से भी, और इस रद्दअमल के नतायज होंगे। इस नए अफगानिस्तान की मईशत, इसका मालियाती निज़ाम, तालीम, इंतजामी ढांचा, ज़र मुबादला के ज़खायर मुकम्मल तौर पर अमरीकी इमदाद के मरहूने मिन्नत है। नजम सेठी कहते हैं कि आखिर में तालिबान के तीनों चोटी के रहनुमाओं की दानाई और तजुर्बे पर बहुत से मामलात का दारमदार है। इनकी साख और सलाहियतें किसी से ढकी छुपी नहीं। तालिबान के अमीर मुल्ला अब्दुल्ला अखुंजादा खुदकुश हमलों के पुरजोश हामी माने जाते हैं। इन्होंने हिलमंद सूबे में एक हमले के दौरान अपने बेटे को भी धमाके से खुद को उड़ा लेने का हुक्म दिया था। यह हबतुल्ला अखुंजादा की गुफ्तगू और जंग की तस्वीराती हिकमत अमली थी जो बहुत कामयाब साबित हुई। दूसरे नंबर पर सिराजुद्दीन हक्कानी, अमरीका को सबसे ज़्यादा चकमा देने वाले जंगजू, पेचीदा खुदकुश हमले और हदफी कतल के माहिर माने जाते हैं। तीसरे मुल्ला अब्दुल गनी बरदर, जो मुमकिन सदारती उम्मीदवार भी हैं और जिन्हें जैसा कि कहा जाता है कि अमरीकियों के कहने पर पाकिस्तान ने 1 अशरे तक जेल में कैद रखा था। पाकिस्तान के सामने एक बड़ा मौका है जिससे ये फ़ायदा भी उठा सकता है और खो भी सकता है। अगर नए और तब्दीलशुदा ज़हनियत रखने वाले तालिबान अफगानिस्तान में ठिकाने रखने वाले पाकिस्तान मुखालिफ अनासर का कलाकमा कर देते हैं और पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के लिए वस्ती एशिया के तेल, गैस, सड़क और रेल के रास्ते खोल देते हैं तो इसका पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन अगर तालिबान की फतह और अमरीका की शिकस्त से पाकिस्तान में इंतहा पसंदी और जनूनियत की आंधी चलने लगती है, चाहे इसकी वजह तहरीक लब्बैक, तहरीक तालिबान, पाकिस्तान के अनासिर को मिलने वाली शय हो या मुल्क में अमरीका मुखालिफ जज्बात का तूफान हो जिसकी वजह से पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का सामना करना पड़े, तो फिर पाकिस्तान के लिए इसमें सरीहन नुकसान है क्योंकि पाकिस्तानी मईशत का दारमदार मगरब के साथ तआवुन पर है। दूसरी जानिब सेठी के मुताबिक अगर अफगानिस्तान में तालिबान की फतह का रास्ता तवील और खून आलूद होता गया तो हमारे सामने मंजरनामा भी महफूज और यकीनी नहीं होगा। अफगानिस्तान में पश्तून तालिबान में सिर्फ 45 से 50% पश्तून हैं। दीगर पश्तून और नस्ली गिरोहों ने फिलहाल तालिबान की यलगार के सामने मुजाहमत नहीं की, लेकिन अगर उन्हें कायम होने वाली हुकूमत और इंतजामियों में शराकतदार ना बनाया गया तो कबायली बगावतें और गैर मुल्की मुदाखलतें एक मरतबा फिर अफगानिस्तान को अपनी लपेट में ले लेंगी। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।